नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रखर। उत्तराखंड में मंगलवार को कोरोना का विस्फोट हुआ है। बता दें कि बीते दिन देहरादून से सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं स्कूलों में भी छात्र छात्राएं कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। बता दें कि बीते दिन उधम सिंह नगर में 5 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। वहीं सोमवार को राज्य से 20 मामले सामने आए थे, तो वहीं बीते दिन ये आंकड़ा 44 पहुंच गया। ऐसे में एकदम से कोरोना के मामलों में उछाल आने से स्वास्थ्य विभाग के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। को एक बार फिर से कोरोना के मरीजों के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बता दें कि बीते दिन राज्य से कोरोना के 44 मामले सामने आए हैं। वहीं गनीमत रही कि पिछले 24 घंटे में किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। आपको बता दें कि 28 संक्रमितों को ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना के 44 मामले सामने आने के बाद से राज्य में अब कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 227 हो गई है। आपको बता दें कि बीते दिन राज्य के 6 जिलों से बड़ी राहत सामने आई है, जहां बीते दिन एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं पाया गया है, जबकि देहरादून से बीते दिन सबसे ज्यादा 25 कोरोना मरीज सामने आए हैं। तो वहीं चमोली में 1, चंपावत में 3, हरिद्वार में 3 और नैनीताल में 10 समेत टिहरी, गढ़वाल और उधम सिंह नगर में 1 संक्रमित मरीज पाया गया है। इसके बाद प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा 344,843 तक पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में अब तक कुल 7,416 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।